अगर कोई ऊबर चलाता है, ओला चलाता है, ट्रक चलाता है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है, और गलती से अगर वो किसी को मार देता है तो उसकी 10 साल की सजा होती है। पुलिस वाले हथकड़ियां लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मारते हैं और 10 साल की सजा, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, 18 साल की भी नहीं है, 18 साल का नहीं है वो, 17 साल का है, इलीगली चला रहा है। 2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है, और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब ट्रक ड्राइवर मारता है तो उससे ये ऐसे क्यों नहीं लिखाते? जब बस ड्राइवर किसी को गलती से मार देता है तो उससे ऐसे क्यों नहीं लिखाते? आज हिंदुस्तान में, दिल्ली में, पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, मगर उसमें मैंने कहा कि अगर कोई ऊबर चलाता है, ओला चलाता है, ट्रक चलाता है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है, और गलती से अगर वो किसी को मार देता है तो उसकी 10 साल की सजा होती है। पुलिस वाले हथकड़ियां लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मारते हैं और 10 साल की सजा, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, 18 साल की भी नहीं है, 18 साल का नहीं है वो, 17 साल का है, इलीगली चला रहा है। 2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है, और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जब ट्रक ड्राइवर मारता है तो उससे ये ऐसे क्यों नहीं लिखाते? जब बस ड्राइवर किसी को गलती से मार देता है तो उससे ऐसे क्यों नहीं लिखाते? हां, तो ये हम बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और युवाओं के साथ पिछले 10 साल अन्याय हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और जो रोजगार देने का सिस्टम है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, छोटी दुकानें, छोटे कारीगर, छोटी फैक्ट्रियां, उन सबको नोटबंदी और जीएसटी से नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। क्यों किया? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच पाए। तो आपको उन्होंने कहा मेड इन इंडिया, और जो मेड इन इंडिया का ढांचा था उसको खत्म कर दिया नोटबंदी से, जीएसटी से, और पूरा अदानी जी और अंबानी जी से मेड इन चाइना चला रहे हैं, और सिस्टम, आर्थिक सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, छोटे बिजनेसेस बंद पड़े हैं, टी शर्ट पैंट बनाने वाले यूनिट बंद पड़े हैं, टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश आगे निकल गया। तो अब हमें यह बदलना है। सबसे पहले बदलने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता के जेब में पैसा डालना है। क्यों? खटाखट खटाखट, ये इसका मतलब यही है। जब मैं खटाखट 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 कह रहा हूं, मतलब जनता के जेब में पैसा जाएगा। तो इसके पीछे सोच है, उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जी ने 22 लोगों को पैसा दिया, उन्होंने जाके दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, फ्रांस में जमीन खरीदी, बिजनेस खरीदे, वहां खर्च कर दिया, हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। महिलाओं की मैंने बात की, हजारों करोड़ रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं, युवाओं को भी वही हम काम करने जा रहे हैं। युवाओं जैसे महिलाओं को पैसा देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक सेकंड में, युवाओं को भी देंगे, मगर इसके पीछे सोच है। जैसे ही हम आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप उस पैसे को खर्च करोगे। करोड़ों लोग शर्ट पैंट
मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदेंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चालू होगी, इकोनॉमी चालू होगी, फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी और आप ही को, आपके आप ही के बच्चों को, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में काम मिलेगा। तो चेन है, इंजन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करने का तरीका गरीबों के जेब में पैसा डालना है। उन्होंने इंजन को बंद करा, बंद कैसे किया? अरबपतियों के जेब में पैसा डालकर।